नमस्कार लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से रामकिशोर वर्मा की खास खबर पर आइए एक नजर डालते हैं। मैनपुरी में चालक की हत्या कर गेहूं से भरा ट्रक लुटेरों ने लूटा। जनपद मैनपुरी में करहल थाना क्षेत्र के ग्राम किरतुआ के निकट कार सवार आधा दर्जन बदमाशों ने चालक की हत्या कर गेहूं से लदा ट्रक लूट लिया। बदमाशों ने परिचालक को भी पूरी तरह पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आइए आपको सुनाते हैं इस विषय पर लोगों का क्या कहना है और पीड़ित के परिवार का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। तो आपको सूचना कैसे मिली? हमें जब लोग वो तो कंडक्टर जीवित था ना, घायल हो गया था, जब होश में आया घंटे दो घंटा फोन किया उसने। फोन करने वाला हम लोग जब रात 3 बजे फोन पहुंचा हमारे पास, तब पहुंचा था हम लोग वहाँ। तो हमको 4:30 साढ़े 4 बजे पहुँचे घटना स्थल पर। हमारी डेथ बॉडी बड़ी बड़ी है, शरीरों का लगड़ा है और मतलब उनके पैर तोड़ दिए, हाथ तोड़ दिया, हाथ फाँग फूट गई। सब बुरी तरह कट्टा की पछिया से पिटाई की उन्होंने। अच्छा, कट्टा से? कट्टा बट से? कट्टा बट से। हाँ। अच्छा, पुलिस पहुंची थी? पुलिस वो तब नहीं पहुंची, बाद में पहुंची पुलिस। अच्छा, पुलिस ही लेके आई? यहाँ पुलिस लेके आई डेथ बॉडी यहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस पर। कितने हाउस पर आए हुए, क्या मामला है, कौन किसकी मृत्यु हुई है? हमारे पिताजी की मृत्यु हुई। कैसे हुई है? ये गाड़ी में जो ट्रक से घेर लिए थे, गेहूँ भर के आ रहे थे काम, तो रास्ते में घेर लिया उन लोगों के बदमाश ने। तो वहाँ से रास्ता में उन्हें रोक ली गाड़ी और वहाँ पे मार पीट हुई थी, तो इस वजह से मार के उठा ले गई थी सड़क के किनारे और गाड़ी लेके वापस। गाड़ी लूट ले गए? हाँ, गाड़ी गेहूँ की लूट। अच्छा, जो कंडक्टर था वो कंडक्टर भी मार दिए, मार मार फिर घायल कर दिया। हाँ, घायल। अच्छा, क्या नाम था जो जिनकी हत्या हुई है? उनका सुखबीर सिंह। पिताजी का नाम क्या है? अमित सिंह। रहने वाले कहाँ के? सेना कला। सेना कला। गत रात्रि की घटना है, जिसमें एक ट्रक था जिसमें बांदा बबेरू से लगभग 20-25 टन गेहूं लदा हुआ था और उसके ड्राइवर और क्लीनर को कुछ अज्ञात बदमाशों ने ओवर पावर किया और उन दोनों के हाथ पैर बांधे और गमछे से दोनों के गलों को कसने का प्रयास किया गया। और करहल थाना क्षेत्र में जो सैफई वाला बाईपास है, उसमें रात्रि के अंधेरे में उन लोगों ने दोनों को फेंक दिया, जिसमें से ड्राइवर के अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हो गई है। इस घटना के संबंध में जो ट्रक के मालिक हैं, उन्होंने मुकदमा यहाँ पर थाना करहल में पंजीकृत कराया है। हमारी टीम में विशेष रूप से जो इंस्पेक्टर करहल हैं, मतलब जो स्वाट के प्रभारी हैं, वो लोग लगातार इस पर काम कर रहे हैं। कुछ इस पर हमें महत्वपूर्ण सुराग भी मिले हैं, उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि इस घटना को पारित करने वाले जो भी बदमाश हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो और दूसरा जो ट्रक लूटा है और जो सामान उसमें है वो।